अरे तुम तो हॉस्पिटल जाने वाले थे ना? क्या हाल बना रखा है तुमने? बर्गर, तुम्हें बर्गर खाना है, मेरे लिए भी बचा कर रखना, मैं भी खाऊंगा साथ। सिर्फ एक ही बचा और वो मर जाए। हे, देखो कौन यहाँ आया है। शुक्रिया। ठीक है, चलो रास्ता दो। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मिस पॉट्स? जी हाँ। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं हूँ, पर ये बस अभी शुरू होने वाला है। मैं रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं एजेंट फिल कोल्सन हूँ और स्ट्रेटेजिक होमलैंड इंटरवेंशन के डिवीजन में काम करता हूँ। काफी लंबा चौड़ा पोस्ट है। ठीक है, काम कुछ ऐसा ही है। देखिए, इससे पहले हमें डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, FBI और CIA ने कांटेक्ट किया। डिपार्टमेंट अलग है, जिसका ध्यान सिर्फ एक ही मुद्दे पर केंद्रित है। हमें मिस्टर स्टार्क से सवाल पूछने हैं कि किन हालात में वो भाग सके। मैं मिस्टर स्टार्क के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर देती हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। टोनिका, बेहतर नहीं होगा आप सब बैठ जाए? आप सब बैठ जाए, ऐसे आप मुझे देख सकते हैं, मैं भी आपको देख सकता हूँ। इसे अपना घर ही समझिए। ये सब क्या चल रहा है यार? मुझे कुछ मत पूछो, मुझे नहीं पता वो क्या करने वाला है। वापस आकर अच्छा लगा? तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मैंने अपने पिता को कभी अलविदा नहीं कहा, मैं अपने डैडी को कभी अलविदा नहीं कह सका, क्योंकि कई सवाल हैं जो मैं उनसे पूछता, जैसे उनका अपनी कंपनी के बारे में क्या ख्याल है, क्या उनके अंदर कोई दुविधा थी, क्या उन्हें कोई शक था, या फिर वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हम सबको याद है उनकी डॉक्यूमेंट्री, उनकी फिल्मों के जरिए। मैंने अपने जवानों को मरते हुए देखा, उन्हीं विनाशकारी हथियारों से जो मैंने ही बनाए थे उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें बचाने, और फिर मैंने देखा कि मैं उसी सिस्टम का एक हिस्सा हूं जिसकी जनता की तरफ कोई जवाबदेही नहीं है। हाँ बोलो बेटा। मेरी आंखें खुल गई, मुझे हकीकत का एहसास हुआ कि बहुत कुछ है जो मैं इस दुनिया को दे सकता हूं विस्फोट के सिवा, और इसीलिए मैं स्टार्क इंटरनेशनल की हथियार निर्माण डिवीजन को बंद करने का ऐलान करता हूं अभी इसी वक्त, और इस दौरान मैं अपनी कंपनी के भविष्य के बारे में कुछ फैसले लूंगा, इसे किस दिशा में जाना है जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो और वो देश के हित में है और जिससे मौत नहीं जिंदगी बरकरार है। इन सब बातों से एक बात तो तय हो गया, और वो है टोनी वापस आ गया।